हेलो एवरीवन, क्वेश्चन हमारा बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टाफ इज थ्री टाइम्स एज लॉन्ग एज द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ। मतलब जो शैडो है फ्लैग स्टाफ की थ्री टाइम्स हो जाती है व्हेन द सन रे मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड ऑफ एट द टाइम ऑफ द लॉन्गर शैडो। मतलब इसने देखो क्या बोला है कि एक फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, जिसकी हाइट हमने h मान ली क्योंकि गिवन की, ठीक है, उससे शैडो पड़ रही है मान लो 60 डिग्री एंगल पे, जो उसने पहले दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसकी शैडो थ्री टाइम्स हो जाती है, मगर अगर सपोज करो ये x है तो जो हमारी नई शैडो है वो इसके तीन गुना हो जाएगी, मतलब कि ये आपके पास हो गई 3x। जब इसका एंगल हमने मान लिया थीटा, जो उसने पूछा हुआ है ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्राउंड एट टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो, मतलब शैडो जो बढ़ चुकी है वो एंगल, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास 3x है, और अगर x है तो ये कितना हो गया, हमारे पास हो गया 2x, ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि इसने बोला शैडो उसकी थ्री टाइम्स हो जाती है, तो पहले अगर x थी तो अब 3x हो गई, तो x 3x माइनस का x, ये हमारे पास कितना आ गया 2x। इस हमने हाइट को इसकी h लेट कर दिया है, ठीक है जी। अब देखो इस ट्राइंगल ए बी सी और डी, सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल छोटे वाले भी यूज करते हैं ABC में, ए बी सी, तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू टैन 60, ए बी एच अपॉन में x इज इक्वल टू रूट 3, देन h इज इक्वल टू x रूट 3, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर देखो यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू टैन थीटा। ए बी की वैल्यू है हमारी एच, एच अपॉन में बी डी हैगा हमारा 3x, 3x इज इक्वल टू टैन थीटा। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 1 हम एच की जगह पे एक्स रूट 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक्स रूट 3 अपॉन में 3x इज इक्वल टू टैन थीटा। एक्स एक्स कैंसिल आउट, रूट 3 अपॉन में इसको 3 को हम लोग रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू टेन थीटा, जिससे कैंसिल आउट हो गया, आगे 1 अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन की वैल्यू हमारी रूट 3 कब होती है, टेन 30 पे, टेन 30 इज इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन रेस एंड द ग्राउंड वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है जी। तो आपका फाइनल आंसर है।